हमारे जो सूफी सिंगर्स थे या सूफी उनका कोई धर्म नहीं, ना वो मुसलमान थे ना वो इंसान। अभी कभी ओम सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा क्या खास था फिल्म गांधीगिरी के लिए कि आपने हाँ कहा, फिल्म का हिस्सा बना? देखिए, मैं तो आप सबको पता ही है कि मैं तरजीह देता हूँ जो संजीदा फिल्म होती है, जो कुछ कहना चाहती है, जो कुछ जिसका कुछ अर्थ है। और दूसरी फिल्में मैं करता रहा हूँ धन के लिए। अगर मैं सिर्फ सार्थक फिल्में ही करता तो शायद आज मेरे पास घर भी नहीं होता, क्योंकि उसमें धन नहीं होता है ज़्यादा। हालांकि अभी थोड़ा बढ़ गया है, पहले तो बहुत ही कम होता था। दूसरी चीज़, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझे अपना किरदार अच्छा लगा। एक मॉरिशस का रहने वाला लेकिन हिंदुस्तानी, उसके पिता हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और बहुत अमीर थे, उनकी बहुत बड़ी कोठी, ज़मीन जायदाद सब यहाँ है, उनका स्टाफ यहाँ है जो देखभाल करता रहा है। और तो ये आदमी, जैसे लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना बुढ़ापे में, कि भाई उनको अचानक कैसे लगा कि भाई मुझे कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता तो गांधी जी के मूल्यों पर चले और उन्होंने अपना योगदान दिया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। गांधीगिरी आपके लिए क्या है? गांधीगिरी मेरे लिए है कि वो समाज में गांधी जी के बारे में चेतना जगाए कि वो किस चीज़ के लिए लड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें आज़ाद कराने में लगा दी। कितनी तकलीफें सही, जेलों में रहे, और इतना पतला दुबला सुपड़ा आदमी उसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। और उन्होंने अलग अलग तरह से अहिंसा से, उन्होंने सोचा कि इनकी इकॉनमी को कैसे धक्का पहुँचाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से कॉटन ले जाते थे, वहाँ कपड़े बनाते थे, आके यहाँ महंगे में बेचते थे और पूरी दुनिया में बेचते थे। उनका कोई अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेगा, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेगा, खादी पहनेंगे। सब चोट पहुँची, नमक नहीं, नमक पे टैक्स है, चले गए दांडी मार्च। तो अहिंसा के जरिए से उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। सुभाष बाबू की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहादुर थे। उन्होंने कोशिश की कि मैं फौज इकट्ठी करूँ दुनिया से, लेकिन बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो पूरी दुनिया पे राज किया। वो ट्रिनिडाड, मैं लंदन से, मैंने कहा कितने घंटे की फ्लाइट है, तो किसी ने कहा 4-5 घंटे की है, 5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे। मैंने कहा भाई कितने घंटे की है, बोली 9 घंटे। वहाँ तक वो पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, कहाँ नहीं गए वो। तो उस ताकत से हम, मेरा ख्याल है, हथियारों से नहीं लड़ सकते थे। एक तो हम गरीब मुल्क था, पैसे भी नहीं थे, और हथियार हमें कौन देगा बिना पैसों के। तो इसलिए गांधी जी का बहुत महत्व है, और बड़े अफसोस की बात है कि हम गांधी जी के मूल्यों को भूल रहे हैं। तो ये आदमी वहाँ से चल के यहाँ आता है कि कम से कम मैं अपने ज़िले में तो उससे शुरुआत करूंगा कि गांधी जी के मूल्यों को मैं लोगों को जागरूक करवाऊं। और उसने वही किया, जो नौजवान बहके हुए थे, वायलेंस कर रहे हैं और तरह तरह की इंडल्जेंसेस, महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे, ये वो, तो उसने उन सब नौजवानों को इकट्ठा किया और उनको अच्छा सही रास्ता दिखाया। यह है किरदार इस फिल्म का। तो मैं कहता हूँ कि गांधी जी के अहिंसा का आज मुझे लगता है अगर गांधी जी भी होते तो वो इसमें अमेंडमेंट करते। मुझे ऐसा लगता है, दावे से नहीं कह सकते, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गांधी जी ये सब जानकर फिर ये कहते कि आप रेजिस्ट करो, 10 बार करो, 10 थप्पड़ खा लिया, और 11वां थप्पड़ जब उठा तो उन्होंने हाथ उठाया, बोला देखो ये अगर आपने मुझे
ग्यारहवां थप्पड़ मारा तो मेरा हाथ जल जाएगा, और मेरा हाथ बहुत मजबूत है। मुझे लगता है गांधी जी आज ये कहते हैं। गांधी जी ने बहुत सोचा जब उनको उठा के ट्रेन से वाजिब टिकट होते हुए फेंक दिया, पूरी रात बैठ के उन्होंने सोचा होगा इनसे कैसे लड़ेंगे हम, गंभीरता से सोचा, अंतर ध्यान अपने अंदर घुस के कैसे चार अंग्रेजों को मार दूं तो क्या हो जाएगा। वो तो वहीं से दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हो गए थे, हम ये पास की हमें जरूरत नहीं है। ओके ओम जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बयान आप दे देते हैं जो अपनी आपकी अपनी खुद की भी ज़ाती ज़िंदगी है उसमें भी उथल पुथल होती है यकीनन, किसी भी वजह से बौखलाहट में से आपके जबान से कुछ निकल जाता है और उसके बाद आप बात लानी है, कहते हैं अनगिनत लोगों के सामने रूबरू होते हैं और उसके बावजूद कुछ चुनिंदा लोग मानते नहीं हैं, कितना हर्ट होते हैं, हाउ हर्ट यू फील, यू नो व्हेन यू सेइंग इट रिपीटेड Everyone, अच्छा मैं 40 साल से बॉम्बे में हूँ, मुझे ज़रा बताइए कि कितनी बार मेरी ज़बान फिसली है, बताइए। 40 साल से 300 फिल्में की हैं, किसी फिल्म में कोई एक डायरेक्टर एक्टर कोई भी यूनिट का कोई आदमी कह दे कि ओम पुरी ने हंगामा किया, ओम पुरी ने जी जो भी होती हैं चीज़ें फिल्म सेट पे, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहे अपने काम से काम, शूटिंग खत्म हुई सीधे होटल में, कोई घूमने वाली अच्छी जगह है गोवा है तो थोड़ा टहलने चले गए बीच पे बस। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं आप कितनी बार ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, एक तो लोगों को याद है रामलीला, रामलीला में तो मुझे हीरो बनाया है लोगों ने। एयरपोर्ट सुबह पहुंचा तो पैसेंजर पुलिस वाला और एयरलाइन वाले मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने हमारे दिल की बात कही, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, कौन लड़ेगा सरकार से यार। और दूसरा ये इंसिडेंट है, तीसरा आप मुझे बता दीजिए। ओम जी, इस वक्त देश बहुत ही सेंसिटिव हुआ है, मतलब हर एक चीज उनको लग जाती है, आप भी इस देश के हैं, ऐसे में अगर ऐसा कोई बयान आ जाता है तो डेफिनेटली लोगों में गुस्सा होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, इसीलिए मैंने कहा ही नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सजा मांग रहा हूँ। तो ऐसा क्या हो गया हूँ जिनकी आपने ऐसा, देखिए मैं जस्टिफाई तो नहीं करना चाहूँगा लेकिन फिर भी ऐसा है कि हम लोग चैनल्स पे चिल्लाते बहुत, एंकर भी एक्साइटेड हो जाता है, उकसाने भी लगता है, और कुछ लोग उस जोश में आ जाते हैं और कुछ मुँह से ऐसा निकल जाता है। तो उस दिन ख़ास तौर पे उस दिन ऐसा हुआ था मेरा ख्याल कि अवस्थी जी तो बड़े अच्छे एंकर हैं, किसी एक विषय पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आवाज़ ऊँची कर ली, मैंने भी कर ली, और उसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, आधे बीच में मुझे काट के उन्होंने दूसरा सवाल फेंक दिया तो मैं बौखला गया, तो मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकल गया जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन। इसका प्रायश्चित मैं एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से करूँगा, ये नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सजा भुग दूँगा, लेकिन इसका प्रायश्चित क्योंकि गले में फांसी टांगने से तो कुछ होने वाला नहीं, क्या फ़ायदा, मैंने तो कहा या फांसी दे दो, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना चैनल पर उनसे कहा था, मैंने कहा आई एम गिल्टी, वो फिर भी लगे हुए, मैंने कहा तो फांसी दे दो भाई। अब प्रायश्चित एक तो मेरी नज़र में है वो परिवार जिसको सबसे ज़्यादा चोट पहुँची, मुझे नहीं लगता उन्होंने चैनल देखा होगा, लेकिन लोगों ने बताया होगा और हो सकता है उन्होंने बाद में उनके दोस्तों ने मित्रों ने रिश्तेदारों ने उन्हें YouTube पे दिखाया भी होगा। तो मैं तो उनके यहाँ पहुँचूँगा कि भैया आप परिवार वाले मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर
कर लो, लेकिन इतना है आपने एक बेटा देश के लिए खो दिया है और बहादुर, तो आप मुझे उसका चचा मान लो। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और मैं इस परिवार की देखभाल करूंगा, अपना परिवार समझ। ये एक चीज है, बाकी और बड़े पैमाने पे छोटी छोटी चीजें मैं करता रहा हूँ, लेकिन अब इस आखिरी उम्र में तो मैं सिनेमा में तो अच्छा काम करता ही रहूंगा, लेकिन मैं अब सामाजिक काम भी करना चाहूंगा। सर ये सवाल मैं बतौर बीबीसी पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीबीसी भारत से नहीं है, बाहर से है, तो वो बाहर से इस तरीके से इस चीज को देखा है कि आप भारतीय मीडिया पाकिस्तानी कलाकारों के प्रतिबंध को लेकर जो भारतीय कलाकार हैं उनसे प्रेशराइज करके सवाल पूछ रही है, या इस पे उनका मत चाहती है, या वो देना नहीं चाहती, तो क्या प्रेशराइज फील कर रही है जो पेटेंटी है बॉलीवुड ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जाना चाहता है, बीबीसी जाना चाहता है? देखिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे वहाँ भी जो लोग हम पे हमले करते हैं उनके मन में हेट्रेड है हमारे लिए, ठीक है, ऐसे ही हम इस चीज से मुनकर नहीं हो सकते कि वैसे लोग हमारे यहाँ नहीं है। फर्क इतना है वहाँ के जो हेट करने वाले हैं उनके पास हथियार हैं, और हमारे जो हेट करने वाले हैं उनके पास हथियार नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। मेरा ये कहना था कि ये समय जो था वो उत्सव का समय था, दिवाली बनाने का समय था कि हिंदुस्तान ने आखिर उन्हीं की जबान में जवाब दिया, और ये पहला ऑपरेशन है जिसको उन्होंने इतनी बखूबी से अंजाम दिया कि जिसमें आम आदमी जो निर्दोष है उसका नुकसान ना हो, सिर्फ वो जो टेररिस्ट कैंप हैं उसी पे अटैक किया गया। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा बदलाव है हमारी नीति में, और मैं मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, आर्मी को बधाई देता हूँ कि इतने प्रसिशन से उन्होंने इसे कामयाब किया। एक सेकेंड, और दूसरे मोदी जी ने ऐलान किया कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन साथ ही अगर आपने गौर किया हो उन्होंने संबोधन किया वहाँ की आवाम को कि आइए हम गरीबी से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, कंपटीशन हो हमारा, फिर देखते हैं पहले कौन जीतता है। तो ये था कि उन्होंने वो रास्ता जो बातचीत का है वो छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली, हाँ सार्क कैंसिल करवा दिया उन्होंने और उनके साथ बाकी मुल्क भी शामिल हो गए। तो उनकी एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी से उनको काम करने दीजिए। ये बड़ी पैटी चीज़ है कि वो 15 एक्टरों को भेज दो, अब सरकार नहीं कह रही, सरकार के मन में कुछ है ना कि हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो सरकार का साथ तो है, सरकार ने हमें खुश कर दिया, हमारा आत्मबल बढ़ा दिया, हमारा आर्मी का आत्मबल बढ़ गया है। तो इस पैटी चीज़ को, चलो मैं कहता हूँ ये पैटी नहीं है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं सही तरीका ये है कि आप सचिवालय के आगे धरना लगाओ, बीजेपी और शिवसेना की मिली जुली सरकार है और ये शिवसेना का ही नारा है कि इनको वापस भेजो, तो आप जाइए जुलूस लेके जोर डालिए सरकार के साथ, सिर्फ एक्टर नहीं जो इस मुल्क में व्यापार करने वाला आया है पाकिस्तानी वो भी, और जो अपने रिश्तेदारों से मिलने हैं वो भी, हम चाहते हैं ये सब हमारा मुल्क छोड़ के अगले 3 दिन में वापस चले जाएं, इनका वीज़ा हम खारिज करते हैं। हम चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, मां चैनल्स पे बहसें हो रही हैं बड़ी बड़ी, इतनी पैटी सी चीज़, आपको विश्वास नहीं है मोदी साहब अभी भी, उनको अपनी स्ट्रैटेजी से लड़ने दीजिए, ये दुश्मनी मत फैलाइए आवाम में। 6 बार जा चुका हूँ मैं पाकिस्तान, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत मिला है वहाँ से, और बाकी लोगों का भी है आवाम में,
चाहे होटल में हो, होटल में ठहरे हुए लोग हों, पुलिस वाले हों, कस्टम वाले हों, 6 बार गया हूँ, कभी मुझे लाइन में खड़े नहीं होना पड़ा। कोई एक अफसर आता है, मेरे से पासपोर्ट ले लेता है और इस जरिए अंदर चाय पीजिए आप, सामान आपका आ जाएगा, तो हम बताते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर लेते हैं। तो हम दूसरी चीज़ ये मत भूलें कि जब हमारा विभाजन हुआ, जब हमारा पार्टीशन हुआ, वो सिर्फ जायदाद और ज़मीन का नहीं, वो जज्बातों का हुआ, रिश्तों का हुआ। यहाँ के आधे लोगों के रिश्तेदार उधर हैं, उधर वालों के आधे रिश्तेदार इधर हैं। जब मैं जाता हूँ, कोई कहता है लखनऊ में मेरे अब्बा दफन हैं, बड़ा मन करता है कि जाके सजदे में बैठूं, कोई कहता पटना में, कोई कहता कानपुर में, तो ये हम आसानी से आ जाना नहीं पा रहे। और दूसरे पार्टीशन जब हुआ तो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, हालांकि हिंदू उधर बहुत कम हैं, कभी ये नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे से आसानी से मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने ये सोचा होगा, ठीक है यार, बंटवारा हो रहा है, अब नहीं मान रहे हैं, कायदे आज़म भी नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है यार, तू भाई उधर जाना चाहता है, तू उधर चले जा, मेरी तो यहाँ 100 एकड़ ज़मीन है यार, मैं ये छोड़ के क्यों जाऊँ। और दूसरा, उन्होंने सोचा कि जैसे भाई अलग होते हैं प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, परिवार है, 3 भाई हैं, बड़ा घर है, एक के 3 बच्चे हो गए, एक के 2 हो गए, दूसरे के 4 हो गए, घर छोटा पड़ता है, तो एक भाई कहता है अब मैं अलग से रह लूँ। हाँ बेटा, तो मुझे मालूम है दिक्कत होती है। उन्होंने ये सोचा होगा कि हम क्या फ़र्क पड़ता है, वो लाहौर में रह रहे हैं, मैं बनारस में रह लूँ, हम मिलते जुलते रहेंगे, आपस में रहेंगे। और हिंदू मुसलमान का रिश्ता तो 600 साल पुराना है। ठीक है, हमलावर होके आए थे और उनमें कुछ आज़ाद ख्याल के मुसलमान भी आए और कुछ दकियानूसी औरंगज़ेब जैसे वो भी आए, लेकिन फिर अकबर जैसा एक सेकुलर आदमी भी आया। शेरशाह सूरी ने कितनी डेवलपमेंट की थी यहाँ, हुमायूं साहब बड़े जेंटल पढ़ने लिखने वाले इंसान थे, बहादुर शाह जफर पोइट्री लिखते थे, तो हमने एक दूसरे की तहजीब से बहुत कुछ सीखा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हिंदुस्तान की तो कोशिश यही होगी, क्योंकि ये ना भूलें कि हमारे परिवार में 22 करोड़ मुसलमान भाई भी हैं यहाँ, उनके सेंटिमेंट्स का भी हमको ख्याल रखना। तो वहाँ की सरकार पे अटैक करो, वहाँ की आर्मी पे अटैक करो, वहाँ पे लोगों पे मत करो, बस मेरा इतना ही कहना। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.